हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एनटीए नेट इकोनॉमिक्स 2020 का पेपर टू का फर्स्ट टॉपिक माइक्रो। तो माइक्रो को कैसे प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना है, मतलब कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है, और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि हमें किसको पहले प्रेफर करना है, सेकेंड टाइम पे देन, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से हमें प्रिपेयर करना है या अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से, या कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, हमें कैसे स्टडी करना है सबसे फर्स्ट टॉपिक को, माइक्रो को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 12-13 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई से भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि माइक्रो ही है, जिस बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसके कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, ना ही मोल्ड किए हुए आते कि आप जिससे कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर आप इसको अच्छे से डीपली करोगे, कंसेप्ट को क्लियर करोगे, तो आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। 12-13 क्वेश्चंस है, कोई कम क्वेश्चंस नहीं है, बाकियों से, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कम आते हैं, बट जो माइक्रो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें से सबसे एटलीस्ट 12-13, तो कम से कम बोल रही हूँ 12-13 क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी अगर हम 2019 का देखें तो 13 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पेपर ले लो, नोट कर लो टॉपिक्स को कि कैसे कैसे हमें स्टडी करनी है, ठीक है, ताकि हमारा नेट के साथ जेआरएफ भी हो जाए। हमारा टारगेट जेआरएफ का होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या कहता है, ठीक है। सारा कुछ सिलेबस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले सिलेबस को दिमाग में रखो कि आपको सिलेबस नहीं छोड़ना, मतलब जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए अवेलेबल, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये टॉपिक है और हम कर रहे हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो आपको रिवाइज भी करना है, देन इसके एमसीक्यूज भी करने हैं, देन आपको इसको बहुत ज्यादा डीपली भी करना है। अगर डीपली नहीं, अगर आपको आता है तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा, मतलब आपको हिंट देखने पड़ेंगे कि ये इनमें से क्या बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस आपको यूं नहीं है कि चलो पढ़ी गए रट्टा लगा लिया, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो, ऐसा नहीं करना। आपको मेन चीजें उठानी है उसमें से, उस पर फोकस करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि चलो भी पढ़ी गए हम यही माइक्रो को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और माइक्रो ऐसा टॉपिक है जो आप प्लस वन से कर रहे हो, ठीक है, प्लस वन में किया, देन प्लस टू में आ गया हमारे, देन हमारी ग्रेजुएशन में आ जाएगा, देन हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी माइक्रो का टॉपिक आ जाएगा। तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमारा इतना तो बेस बना होगा ना कि इसके अंदर क्या क्या आता है, डिमांड आती है, सप्लाई आती है, तो बेसिक्स की नॉलेज तो होगी। तो अब कैसे स्टडी करना है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सिलेबस, तो सिलेबस में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, देन आती है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, देन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, देन गेम थ्योरी, देन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देन फैक्टर प्राइजिंग, जर्नल इक्विलिब्रियम, देन एफिशिएंसी क्राइटेरिया, वेलफेयर इकोनॉमी एंड एस्मेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से देख लीजिए सारे टॉपिक्स कितने हो गए, ये काउंट कर लो, 1 2 3, कितने हैं, ये 5 इधर है और 5 इधर है, मतलब ये 10 टॉपिक्स है, बट ये 10 नहीं है। इसके अंदर जब आप बुक खोलोगे तो आपको इसके अंदर भी और टॉपिक्स मिलेंगे, तो ऐसे करते करते बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं डर लगना चाहिए कि अरे इतने सारे टॉपिक्स हैं तो हम स्टडी कैसे करें, कि हम खुद स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, या फिर यूट्यूब से स्टडी करें, कैसे करें। तो आपको मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, आप माइक्रो के लिए एजल आहूजा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सभी आपको टॉपिक्स इजिली मिल जाएंगे, ठीक है, और उसकी वर्डिंग इतनी टफ नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। देन आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ के साथ, जब आप एक टॉपिक उठा रहे हो तो अब आपको टॉपिक्स कैसे उठाने हैं, कैसे स्टडी करना है, इतने सारे टॉपिक्स हैं तो आपको क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो ये मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने अब क्या किया, सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेक्शन आ गया, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे कम में, इंपॉर्टेंट जो कि ठीक है इंपॉर्टेंट है, देन अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स इन द सेंस ये नहीं है कि छोड़ दो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, इससे आपका जेआरएफ नहीं क्लियर होगा ना नेट क्लियर होगा, ठीक है। जिसका भी टारगेट है, जो हमने टारगेट सेट किया, हमारा टारगेट है कितने का, 110 क्वेश्चन का,
ठीक है, 110 क्वेश्चन या 120, 150 में से 110 क्वेश्चन होने चाहिए हमारे क्लियर, ठीक है, 110 या 120 तक इतना टारगेट आपको सेट करना है, तभी हमारा जेआरएफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये कब होगा पॉसिबल? जब हम सारे टॉपिक्स को करेंगे तभी होगा। अगर हम सोचे कि हम थोड़े से टॉपिक्स कर लें तो ऐसा नहीं है, आपको सारा, बट आपको करना कैसे है, कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले, देन इंपॉर्टेंट, देन अदर टॉपिक्स। तो ये कैसे कैसे कैटेगराइज किया, तो हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि इनमें से दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हर साल, ठीक है। तो आपको मैंने बोला है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो देख नहीं देखने हैं, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर मतलब देखने हैं, ठीक है, कहीं से भी देखो, नेट से देख लो, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो नेट से देखो, डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर की, या कोई ऐप फॉलो करो, ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं डाउन नोट डाउन हो रहे, जैसे कि 12-13 क्वेश्चन है, अब हर अगर हम खोल लें, हमें तो पहले तो ये भी नहीं पता लगता ये कौन से टॉपिक से आया है, तो आप ऐसे करो कि क्वेश्चन का सिर्फ टॉपिक का नाम लिखो, ठीक है, टॉपिक का नाम लिखो कि ये कौन से टॉपिक में से आया है, जैसे कि मार्केट से है तो मार्केट का नाम लिखो, ठीक है, ये आपको लग रहा है एस्मेट्रिक इंफॉर्मेशन से, तो एस्मेट्रिक इंफॉर्मेशन से, कोस्ट से है तो कोस्ट का नाम लिखो, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप ये अप्लाई करके देखो तो आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है। तो ये मैंने सारा कुछ एनालाइज करके ही आपको बता रही हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस आपको दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये एक एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये सिंगल सिंगल टॉपिक्स है, एक इसके अंदर से मार्केट है जिसके अंदर तीन चार टॉपिक आगे है, सब डिवाइडेड है ये, बट जो ये तीन टॉपिक है बट वो एक सिंगल सिंगल टॉपिक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैंने डाला है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो भी आगे सब डिवाइडेड है, जैसे कि उसके अंदर भी काफी सारी थ्योरीज आ जाती है, देन जो अदर टॉपिक्स है उसके अंदर भी थ्योरीज आ जाती है, तो इसीलिए हमें पहले स्टार्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं, ठीक है। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई की नॉलेज नहीं है ना, तब आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फर्स्ट नंबर पे करना पड़ेगा। अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में नॉलेज है तो आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पहले आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करोगे, हाँ ठीक है, एचएल आहूजा में लेंदी है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, पेजेस बहुत ज्यादा है, बट आपको इसे घबराना नहीं है, आप शुरू करो एक बारी, ठीक है, आप एक बार पढ़ लो उसको, आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको थोड़े से डाउट रहते हैं तो आप यूट्यूब की हेल्प लो। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की मैंने वीडियो डाली हुई है, दो डाली है मैंने, ठीक है, अगर आप उसको खोल लोगे आपको पता लग जाएगा, मैंने उसका डिफरेंस भी बताया ये कैसे हो गया है, अगर आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आपका ये टॉपिक कवर होगा, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन हो जाएगा। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कोब डोगलस भी आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिक भी आता है और ये थ्योरी वाइज भी आता है, तो दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक ही चैप्टर है, ठीक है, एक या दो तीन, दो चैप्टर है इसके, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक। देन आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ठीक है, तो ये एक लेंथी टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। देन पैरेटो, तो ये तो एक ही चैप्टर है, ठीक है, पैरेटो, तो इसकी भी वीडियो डाली है मैंने, अगर आपको नहीं समझ आ रहा सेल्फ स्टडी से तो आपको वीडियो देख सकते हो, बट आपको सेल्फ स्टडी पे ही जाना है, आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, और ये इतना इजी पेपर होता है कि हमें बस डर लगा रहता है कि ये टफ है, नहीं यार इतनी कट ऑफ जा रही है 65 64, अरे अब तो अगली बार तो नेक्स्ट टाइम तो और टफ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, सब निकाल दो इसको, दिमाग से निकाल दो कि ये टफ है, ये इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, जब भी आपने अगर पेपर दिया है, ठीक है, अगर आपने पेपर दिया, आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, तो जब आप पेपर दे के आते हो, जब आप क्वेश्चन देखते हो कि अरे ये आया था, तो आप जरूर सोचते हो अरे ये तो मेरे को आता था क्वेश्चन, अरे ये भी मेरे को आता था, अरे ये गलती हो गई, तो अगर आप प्रीवियस ईयर का देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपको आते थे क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी ही आते हैं क्वेश्चन, तो 100 में से 50% सिलेबस इजी आता है, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं कि ये थ्योरी किसने दिया, जैसे कि हमें पता है कार्डिनल अप्रोच किसने दिया, ठीक है, ये आपको घुमा फिरा के थोड़ी पूछा है, सीधा पूछा कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है, आपको ऑप्शन है तो आपको देखना ही नहीं ऑप्शन, आपको पता नहीं है कार्डिनल अप्रोच मार्शल ने दिया, इतना तो आपका बेस होगा, आपने इतनी स्टडी की है, और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो
तो आपको करना क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं, और जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी ये टॉपिक क्लियर है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का अगर नॉलेज है तो ही आपको प्रोडक्शन पे जाना है, नहीं तो आपको पहले डिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि सब खेल डिमांड और सप्लाई और प्राइस से ही रिलेटेड है। जब तक आपको वो ही नॉलेज नहीं है, तब आप ये आपके लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी बता देती हूँ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारे पास, देन मार्केट, देन ये चार टॉपिक। तो चार टॉपिक एक एक चैप्टर के ही है, ठीक है। और आपके इससे कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से कितने आ जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से हमारे दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पैरेटो से एक आ जाता है, कई बार ये देखो क्वेश्चन कितने हो गए, इसको काउंट करो, छह क्वेश्चन। तो छह क्वेश्चन आपको, सिक्स क्वेश्चन आपको इसी से ही कवर हो रहा है। 12-13 बोले हैं, तो सिक्स क्वेश्चन तो ये पक्के है, और ये एक एक चैप्टर्स के है, ठीक है। एक टॉपिक एक चैप्टर कवर, ठीक है। देन आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बार तो तीन आए थे, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे। ये सिर्फ ये पूछा था कि मार्शल अप्रोच पहले आया, हिक्स आया, कौन आया। तो ये सीरीज थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, कोई टफ नहीं था। देन आ जाता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इसमें से कभी कभी आ जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मान लो, ठीक है, पहले क्या था कि आपको आपको पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं थी, बट आज इस टाइम पे, अब जैसे जैसे एनटीए ने आजकल एनटीए कंडक्ट कर रही है, तो इसीलिए सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट आप उस पे जाइए जिस पे दो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको पहले करने हैं। पहले मैंने ऊपर वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए डाला है क्योंकि वो एक एक टॉपिक ही है, एक एक चैप्टर ही है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करी जा रही हूँ ताकि आप इस पे स्ट्रेस डाल लो, प्रीवियस ईयर देखो खुद से, ठीक है। खुद देखो, खुद एनालाइज करो, फिर जाओ वीडियो पे, फिर ट्रस्ट करो, ठीक है। पहले आप खुद से एनालाइज करो, आप प्रीवियस ईयर देखो, एक ही पेपर उठा लो आप। चलो फर्स्ट जो आपने 2019 का है वो ही ले लो, और 2019 का जून वाला ले लो और दिसंबर वाला, ठीक है। आप खुद से एनालाइज करो, फिर मेरी वीडियो देखना कि हाँ ये मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हमें पहली बात तो यूट्यूब वालों पर ट्रस्ट ही नहीं होता कि हाँ अरे यार ये हम देखें भी या ना देखें, ठीक है। तो आपको पहले अपने ये डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपको खुद मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर के देखो, फिर आप आना और देखना कि हाँ ठीक है। इससे आपको एक हेल्पफुल हो जाए कि आपको प्रीवियस ईयर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको अच्छे से आपको ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। आप देखो ध्यान से, आप इस पे जाओ, आपका नेट जेआरएफ इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, रिपीट नहीं करेंगे एनटीए वाले कि ये वाला क्वेश्चन पहले डाला था तो अब फिर से डाल दो, ये ऐसा नहीं है। आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। देन डिस्क एंड गेम थ्योरी, पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे, बहुत माइनर केसेस थे जब इसमें से क्वेश्चन आता था, बट आजकल इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एक ही चैप्टर है डिस्क का, ठीक है, एक ही चैप्टर है, सिंगल टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। तो ये एक का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। देन हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम, जर्नल इक्विलिब्रियम भी एक ही चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। फैक्टर वेलफेयर इकोनॉमी, इसमें से कभी आ जाता है कभी नहीं आ जाता, चलो मान लो एक आ जाता है। फैक्टर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से आता है, चलो एक नंबर आ जाता है, एक ही क्वेश्चन, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो अब देख लो कितने क्वेश्चन होगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन हो गए ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने हैं, देन इंपोर्टेंट वाले, देन अदर टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। देन हमारे आ जाते हैं लेंथी टॉपिक्स कौन से हैं, जो अंदर के अंदर सब डिवाइडेड है वो टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो ये आ जाते हैं हमारे लेंथी टॉपिक। सबसे पहले आ जाता है हमारा मार्केट। तो मार्केट में देखो परफेक्ट है, मोनोपली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट टॉपिक आपका सिर्फ ये मार्केट वाला ही है जो आपको करना है, जिसमें से दो या तीन क्वेश्चंस आने ही आने हैं, कोई टफ नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन इजी आ रहे। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है, परफेक्ट में कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसी जाती है, सप्लाई कर्व कैसे जाती है, प्राइस कहाँ पे सेट होता है, ठीक है। डीप नहीं जाना, बस इसको ये आपको ना कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना कि हाँ ये वाला ऐसे है, चार बार रिपीट कर लिया, चलो। अब कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए होते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, इसीलिए आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट आ गया, मार्केट में से चार ही टॉपिक्स है, तो ये अच्छे से कर लो। इसकी एक्सेस कैपेसिटी जरूर करना कि इस किस में एक्सेस कैपेसिटी है, किस में नहीं है, और इसकी अजम्पशंस किस में फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे, किस में हमारा प्रॉफिट है, किस में हमारा लॉस है, किस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, किस में
जो लॉस है किसमें सुपर प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये आपको देखना है मार्केट में। देन आ जाता है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये भी लेंथी टॉपिक है। देन मार्शल की आ जाती है, हिक्स एंड लैंड की आ जाती है, सैमुअलसन की आ जाती है, कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, तो ये इसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं। ये वाला जो हमारा टॉपिक है तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है हमारा कि हमें डिमांड एंड सप्लाई पता होगी तभी हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ की जो डिमांड है वो हम इसमें मार्केट में यूज करेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो हम सीधा मार्केट पे जा सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपको देन आपको नहीं नॉलेज तो आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बर्गर्सन सैमुअलसन एरो थ्योरी रॉल्स कंसेप्ट, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ ये बर्गर्सन सैमुअलसन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है, इतना डीप में नहीं जाना, बस थोड़ा सा नॉलेज लेने की जरूरत। देन फैक्टर प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग में भी जैसे कि हमारी मार्केट है, मार्केट को ही उल्टा कर दिया, मान लो आप मार्केट की जो कर्व थी ना उसको उल्टा कर दो तो वो फैक्टर प्राइसिंग में चला जाएगा। तो इसमें भी वही परफेक्ट है, मोनोपोली है, बस इसके अंदर मोनोपोली आ गया, मोनोपोली आ गया, ट्रेड यूनियन आ गया। अगर आप ध्यान से करोगे ना तो मार्केट के अगर क्लियर होंगे ना टॉपिक, तो आपके फैक्टर प्राइसिंग के हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उल्टा किया हुआ है, ठीक है। उसमें जैसे कर्व ऐसे जा रही थी ना, यू शेप की जा रही थी, तो फैक्टर प्राइसिंग में इन्वर्टेड यू हो चुकी है, ठीक है। थोड़े मिलते जुलते कंसेप्ट है, बट इसमें से ना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और ये टॉपिक लेंथी है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये डाला है। एक क्वेश्चन तो हमें पता है कि सभी में से एक एक क्वेश्चन ही आता है, बट फैक्टर प्राइसिंग में टॉपिक भी ज्यादा है। अब दोबारा से देखो, ठीक है, अब ये तो लेंथी टॉपिक आपको पता लग गए। देन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसके अंदर एक ही चैप्टर है ना, या तो सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल है, ठीक है, या कॉब डगलस है, ये एक ही टॉपिक में आ जाता है। देन मार्केट स्ट्रक्चर है, देन पैरेटो के अंदर पैरेटो है, कार्डर हिक्स है, ये तो दो ही चैप्टर है, एस्मेट्रिक एक ही चैप्टर है, ठीक है। देन कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर तीन चार पांच छह टॉपिक्स है, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ कॉस्ट एक ही चैप्टर है, ठीक है, ऑप्टिमम वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला भी इसके अंदर आ जाता है। देन रिस्क एक है, गेम थ्योरी एक है, ठीक है, जर्नल इक्विलिब्रियम में एक है, देन वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे कुछ, देन फैक्टर प्राइसिंग में। तो आपको ऐसे ही स्टडी करनी है। मैंने जैसे करना है कि आप एक एक चैप्टर को एक एक दिन में भी कर सकते हो, करोगे ही, ठीक है, आपको एक दिन में एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। जैसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है तो आप वो लगा लो कि 1 वीक में या 5 डेज में, ठीक है, चार टॉपिक है ना, तो 5 डेज लो, 5 डेज में इसको खत्म करो। तो हमें इसको 5 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है, 5 डेज में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो 5 डेज इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, कॉस्ट, रिस्क, तो कॉस्ट और रिस्क है ना वो एक दिन में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट का इतना लेंदी नहीं है, कॉस्ट का बताया हुआ है, कॉस्ट क्या होती है, कितनी तरह की कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कहाँ पे मिनिमम होती है, ठीक है, इजी है कि कर्व कैसे होते हैं, मेनली इसमें कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो कर्व कैसे होती है। देन रिस्क, रिस्क तो जमा ही छोटा सा है, तीन टॉपिक है इसके अंदर, जैसे कि रिस्क अवर्सर है, रिस्क न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये तीन है, तो ये इसमें सिर्फ रिस्क भी छोटा सा है, गेम थ्योरी भी छोटी सी है, तो ये मेन तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है, तो इसमें भी आप ले लो, ये एक दिन में थ्योरी ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा एक दिन में, दो या दो से जो 2 दिन लगाओ इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 या 3 दिन, 3 डेज लगा लेते हैं, चलो ज्यादा कर लेते हैं 3 डेज, ताकि हमारे जो अगर ऊपर नहीं हुए तो इसमें कंप्लीट हो जाए, 3 डेज हो गए। देन जनरल इक्विलिब्रियम वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इसको आपको एक दिन में ही कंप्लीट करना है, जनरल इक्विलिब्रियम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को हमें एक दिन ही देना है, ठीक है। देन फैक्टर प्राइसिंग को भी एक दिन देना है, तो आप देख लो कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो 10 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज तो जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर के जरूर क्वेश्चंस देखने हैं, तब आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर क्लैरिटी नहीं होती, आप यूट्यूब से जरूर हेल्प ले, आपको यूट्यूब से हेल्प लो, ठीक है, मैं कहती हूँ लो आप यूट्यूब से हेल्प। कई बार क्या होता है, हमारा ना टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा होता है, तो वो जब हम वीडियो देखते हैं ना तो हमारा अचानक से हमें समझ आ जाता है, हाँ ये बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए यूट्यूब से देखो आप। और जो टॉपिक्स है वैसे आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, सेल्फ स्टडी पे जाओ, यूट्यूब पे ही सारा दिन नहीं, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हेल्प लेनी है, सिर्फ हेल्प ही लेनी है, स्टडी आपको एचएल ऊर्जा से ही करनी है, बेस्ट बुक है माइक्रो की, उसमें सभी कंसेप्ट आ जाएंगे, डिटेल में है सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज की खत्म होती है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।